भगवान की बोलो, मुक्ति धाम मुकाम की। परम श्रद्धेय राजनंदन जी के चरणों में नमन, सुखदेव मुनि के चरणों में नमन, और जागरण देने के लिए पंडितों के चरणों में नमन। सभी भाइयों बहनों माताओं और साथियों, आज बहुत ही शुभ दिन है, शुभ अवसर है, और अपने को जागरण और वो भी गुरु जी ने बताया कि मंदिर के पास जहाँ समाधि स्थल है वहां अपने का अवसर मिला, 10 गुना फायदा है। मैं जागरण हूं ना रू जो तुरु आयो उसी दो, बट अभी मेरे मेहमान आवड़ा है कुलदीप जी भव्य जी, पर मैं क्यों मैं एक बार जान पांच रात गए थे पर मैं जाऊं तो लाडले मेले में अपन मेलो संपन्न हुयो। बहुत ही बढ़िया हमने गेस्ट आया, मां गेस्ट ना वो मान सम्मान, और हमने विश्वी समाज के लोग माताओं बहना इतो 4-5 घंटा तक बैठा रहा अनुशासन। मैं दोबारा मिलने गयो उपराष्ट्रपति जो मैंने बहुत बहुत धन्यवाद दियो तारे समाज के मां कितो अनुशासन। जितो हो सकियो जितो विकास को काम कराने की पूरी कोशिश की कि आपनो जो मुक्ति धाम मुकाम है इन्हें बड़ो सुंदर बनाओ है, ताकि धोख देने के बाद में आदमी को मन अगर 2-4 घंटा या 1 रात रुका तो ठीक है, एड़ो स्थान बनना चाहिए। अजय में बहुत कुछ सुधार करना है, दखले बेड़े तय कर, और अब आगे अपने समरातल के मायने समरातल चौक छोटो मेड़ो भागण में मेड़ो परिजय जाने लोग बहुत ही माता भीड़ रहे भी चौक 20x146 फुट आगे बढ़ाओ वास्ते गुरु जी भगवान ही भेजे। अपन SDM लागुड़ा है ADM ओम जी मंजू बाढ़ गए, वो आए मैंने 20 दिन पहले फोन करी हो गए मारे कने एक बामा सा है इन लोग हमारे सुब्यगत पे लगाना है मारे समरातल फाउंडेशन में भी है तो 5 लाख रुपए दिया। मैं कहा मगर था नहीं कि बताओ, तो आज उन 4 दिन पहले बहु बात हुई तो मैं कहो कि मैं कितो लागी, मैं कहूँ 30-35 लाख लागी, मैं कहो मैं लगा दूँ ठेकदार साहब और आप तो काम करो। मेरे कहने का मतलब है उस आदमी को मैं जानता नहीं देखा नहीं, नाम है मानो मल्लाराम पोटलिया साचोर गांव बॉम्बे काम चले, पिताजी का नाम है कालू जी पोटलिया। अबार मैं फोन मैं व्हाट्सएप मैसेज किया मैं भी तेरी घोषणा करा तो कि मेरे पिताजी के नाम नहीं करना, मतलब कितना सुपात्र है। और चौक के अलावा आगे जो को सम्रातल के मैं आपा यज्ञ करा बटे एक तो पग बड़े दूड़ो है बटे भी व्हाइट ब्लॉक जो को एक पदार्थ भी है अगर अभी ब्लॉक में लगा हुआ ताकि वो ठंडो रहे वे ब्लॉक बिना वाला कलर्ड बिना, और यज्ञशाला को निर्माण और जो कभी टाका मत बैठ पाड़ ना हो व्यवस्था बैठ पाड़ लेड़ी व्यवस्था कर और पाड़ दस्त साधु बैठ पाड़ दे सके पानी गिरे वो पानी सीधो ही धोरे नीचे जा एड़ी व्यवस्था करा कोई चीज नहीं आगामी मेले तक वो काम करा और बाकी काम तो चले ही। और एक बहुत बड़ी खुशी हमने 5-10 दिन पहले मिली आपने तो प्यूरो विष्णु समाज आदमपुर के हमें जाके हो क्योंकि समाज की खुशी तो भव्य जी बहुत भारी जीत हुई। मैं तो जोधपुर गयो गुरु महाराज मन्नत मांगन गयो तो माने भी कहो मगर जीतो ना फेरी देवना जोधपुर आवड़ा सुबह
तो आपने भव्य जी को भी बड़ो भारी सुबह स्वागत करना है, आप लोगों ने रुकना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने आना है और बाने बांगो स्वागत कर दे कला तो दुजुड़ा नेता भी मेहनत करेला बह जाने लग मई जी तो ना मारो स्वागत कर। तो आपने सबको स्वागत करना है, आ एक ऐसी परंपरा डालनी है जो एक कंपटीशन बने जो ये छोरा पटा पटी करे नी दुजुड़े ने देख पड़ोसी ने देख ने कहो इतना नंबर लाया तो मैं इतना नंबर लाना ताकि नेता ही काम हलो करी आप आपको मान सम्मान करा स्वागत कर। तो सुबह वह जोधपुर 8:30 बजे रवाना हुई और मौका हो और अरविंदर का दर्शन करी और गुरु महाराज को आशीर्वाद दे। और मैं तो सोचू सभी जितने भी आमने विदाई गए वाने सब ने गुरु महाराज आशीर्वाद दे पाचा वे कामयाब हुए। और राजनीतिक जीवन बदला जी कितना साल मुख्यमंत्री है तो हमने समाज को कितो नाम रोशन हजारों रोजगार दे दिया, हजारों नौकरियां दे दी, हजारों लोगों को काम करी। आज माने दुनिया में समाज को आपने नाम करियो तो लोग जाने, राम सिंह जी करियो तो माने भी लोग जाने। और हर तरह कोई भी काम पड़े तो हमने संरक्षक महोदय भी आ जाते हैं, कटे भी काम पड़ो कोई केड़ो भी काम पड़ो और सब ने साथ रेल चले। बिहारी जी भी है तो बिहारी जी भी तत्परता है और महेंद्र जी है, कृष्णा राम जी है, सुखराम जी है, सब पब्बा राम जी सभी विधायक भाई हरियाणा के मायने है, चंद्रमोहन जी है भाई आपने, दूढ़ा राम जी है, जितने भी आपने 5-10 MLA ex-MLA सब काम करे आम आप मान सम्मान करना चाहिए ताकि जी समाज वो राजनीतिक ऊपर है, राजनीतिक सक्षम है भी समाज भी आगे हुए भी ने आरक्षण मिले भी ने हर लाभ मिले सरकार के मायने और बिजनेस के माँ भी व्यापारियों की मदद करे समाज आगे बढ़े, पढ़ाई करनिया की भी नौकरी लागे इंटरव्यू में भी माए बहुत बड़ी मदद करे। तो समाज हमेशा राजनीतिक और शिक्षा दोनों संपन्न होना चाहिए। बाकी सब ठीक है, बहुत बढ़िया काम करेला और गुरु जी कह जो गुरु जी को मान लो दे दो सर नोट छोड़ दो क्योंकि बजट बिना की नहीं है, बजट ही सब है और एक एक बूंद सर्वर भरी जाए और भी सर्वरों पर जाए आप कितो भी विकास करावा कितो ही काम करा तो हम लोग सर्वर लूटे दिन। और वैसे भी आपने अभी बहुत बढ़िया है, हर हमाउस का अभी गुरु जी 10 लाख रुपया आवे मेले में भी आऊ बढ़िया है, समाज की बड़ी मेहरबानी है आशीर्वाद है और काम का कोई कमी नहीं रहा कहाँ पे। अब काले भी 3 उद्घाटन है, एक तो सेवक दल के मायने अर्जुन राम जी मेहरबान 25 लाख रुपया लिया मेड़े माते वो महिलाओं को सेट बनी खाने के वास्ते महिलाओं को अलग बने पिंगो काले से लन्यास है, एक 25 लाख रुपया राजेंद्र जी गहलोत को लिया सुलभ शौचालय के लिए वो अटे खूणे माते बनी डबल स्टोरी बहुत ही बढ़िया पिंगो भी काले शिलान्यास है। और एक अपनी माँ सभा ऑफिस बने और कुछ रूम बढ़े इनमें सेवक दल के माइने वो भी काले शिलान्यास है। और जगो गुरु जी सम्राट को चौक बड़ा वाला नहीं वो चौक 20 फुट by 147 फुट बिंग मायने 10 रूम बने बिंग भर्ती नहीं बना ला 10 रूम बढ़ावा 11 फुट के हाइट का 15 by 14 का 5 फुट की आगे गैलरी लागू ताकि आपने सेवक दल की बड़े समस्या रहने की बहुत भारी बस सेवक दल की समस्या भी मिट गई। और वो एक बहुत ही बढ़िया इस तरीके को बनावा और सगन प्रकाश जी भी परमिशन ले ली फोन माध्यम और आप लोगों की परमिशन है वो काम भी कर अच्छो काम कर अगले मेड़ो पे लिए भी आपने पूरा संपन्न हो जाए। और अगले मेड़ो पे लिए टाइल लगड़ी है तब बड़ा के तावड़े में कोटा स्टोन और भी हटा प्रणिंग में भी पकड़ो लगूंगी व्यवस्था करा काम काज सब करा और विकास भी करा बदल गुरु जी होना है और
चढ़ो आप घणो चढ़ो और टाबर भगवान की देवा हमने कामयाब हुई पढ़े घणी है नौकरी घणी लागे और बच्चा ने पढ़ो बोलो गुरुदंबे सर भगवान की बोलो विष्णु भगवान की। तो गुरु जी मैं पाचो जोधपुर सुबह पाचा।